मैं समझता हूँ कि हमारी मरकजी हुकूमत को अभी इमरान खान के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके बयान को करने दें। अभी आवाम समझ चुकी है, उनको चाहिए मरकजी हुकूमत को कि आवाम के हाल पर रहम करे और आवाम को जो मुश्किल है, जो बिजली के बिल्स के है, जो गैस के बिल के है, जो पेट्रोल की है, जो महंगाई उरूज पे है, इसके ऊपर तवज्जो दे। क्योंकि ये हुकूमत हमने जो सपोर्ट किया था मुत्तहिदा अपोजिशन का, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनसे तवक्को करते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम को रिलीफ मिलना ये सबसे बड़ी जीत है इमरान खान से। तो सुबह मरकजी हुकूमत का तो यही है जो हम लोगों ने सपोर्ट किया कि वो आवाम को रिलीफ दे। जहाँ तक सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत तो इसमें बैठे कि इमरान खान को वापस तख्त पर बिठा दे, चाहे वो पंजाब का है चाहे खैबर पुख्तूनख्वा के। लेकिन एक बात मैं वाजह करना चाहता हूँ कि मरकजी हुकूमत का फैसला है कि वो अपना टर्नओवर पूरा करेगा। और जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, तो मैंने 27 तारीख को, 26 को इससे ऐलान किया, 27 तारीख को मैंने यही कहा था कि ये शमियाना टूटेगी, ये हुकूमतें सारे अपना टाइम पूरा करेगी। अदम इतमाद के बदलुन में कोई भी और आता है वो तो अलग बात है, लेकिन ये इस समय अपनी मुद्दत पूरा करेगी। और हमें हमारे वो जो वजीर आला जाके जमान पार्क पे बैठा है, या 200 हमारे जो कमांडोज भेजे वहाँ, यहाँ अपनी सूबे के जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो मसाइल है वो हमारे तशद्दुद का है। इस वक्त सूबे में जिस तरह तशद्दुद हो रहा है वो आपके सामने है, यानी बनू के जो कैंट के अंदर ADGC वाले हैं या क्या उनके CID वालों का जो ऑफिस है उस पर कब्जा किया हुआ है, जो कल वजीरिस्तान में जो थाने पे अटैक हुआ और उस वहाँ पे जितने भी कैजुअल्टी हो गई है। तो ये सूबाई की हुकूमत की जिम्मेवारी है। देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद अगर सूबा ये कहते हैं कि ये मरकज, हाँ अगर इनको सूबे को ज़रूरत होती तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं मरकज को कि जी आप हमें सपोर्ट करें। लेकिन बदकिस्मती है, मैं नेशनल मीडिया, चूँकि ये आप उर्दू ले रहे, तो मैं उस नेशनल मीडिया से ये सवाल करता हूँ कि आप बस जमान पार्क को छोड़ दें। अब इस दो सूबों के जो इस वक्त सूरत हाल है अमन अमान का, वो बहुत ख़राब है। और जिसमें हमारे जो कुछ वजीर है वो तो बता भी दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सारे जो हमारे नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, वो 3-4 शहरों से निकले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे तवज्जो दे। क्योंकि जब तक आप आवाम के सामने यही चीज़ नहीं लाओगे तो आपको नेशनल मीडिया नहीं कहा जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये तबाही है, और ये अगर इस तरह जारी रही तो मुल्क और तबाही की तरफ चला जाएगा।